इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप टाटा की कोई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं या अपनी पुरानी कार के साथ किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके घर की पोर्च की मिनिमम साइज कितनी होनी ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स होममेड। हमारी टाटा कार मॉडल्स की लिस्ट में सबसे पहले आती है न्यूली लॉन्च कार टाटा नेक्सॉन, जिसकी चौड़ाई 6 फीट और लंबाई 13 फीट 5 इंच की होती है, जिसके लिए 3 फीट की एंट्रेंस लॉबी को मिलाकर 9 फीट बाय 14 फीट 6 इंच के पोर्च की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है 5 सीटर हैचबैक कार टियागो, जो कि 5 फीट 6 इंच चौड़ी और 12 फीट 5 इंच लंबी है। इसके लिए 3 फीट की एंट्रेंस स्पेस के साथ 9 फीट बाय 13 फीट 6 इंच के पोर्च एरिया की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोस की तरफ, जो कि 5 फीट 9 इंच चौड़ी और 13 फीट 1 इंच लंबी है, जो कि 3 फीट की एंट्रेंस स्पेस को मिलाकर 9 फीट बाय 14 फीट के पोर्च में पार्क हो जाती है। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर SUV टाटा सफारी की, जिसकी चौड़ाई 6 फीट 3 इंच और लंबाई 15 फीट 3 इंच की होती है, जो कि 3 फीट की एंट्रेंस को मिलाकर 10 फीट बाय 16 फीट 6 इंच साइज वाले पोर्च में पार्क हो जाती है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट सेडन कार टीगर, जो कि 5 फीट 6 इंच चौड़ी और 13 फीट 2 इंच लंबी है, जो कि 3 फीट की एंट्रेंस स्पेस के साथ 9 फीट बाय 14 फीट साइज के बड़े पोर्च में पार्क हो जाती है। लास्ट में आइकॉनिक क्रॉसओवर SUV टाटा हैरियर, जो कि 6 फीट 3 इंच चौड़ी और 15 फीट 1 इंच लंबी है, जिसके लिए 3 फीट की एंट्रेंस स्पेस को मिलाकर 10 फीट बाय 16 फीट 6 इंच साइज के बड़े पोर्च की ज़रूरत होती है। सुजुकी, ह्युंडई, महिंद्रा, रेनॉल्ट और होंडा जैसी कंपनीज के सारे मॉडल्स के लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, उसे ज़रूर देखें और हमारे चैनल इट्स होममेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।